गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास सेवन्थ, ग्रामर लेसन फोर, लिंग। आज हम आगे स्त्रीलिंग के उदाहरण देखेंगे। जैसे आपकी मुस्कुराहट बड़ी मधुर है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। उपरोक्त वाक्य में मुस्कुराहट तथा हिंदी शब्द स्त्री जाति के शब्द हैं, अतः ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनेगा, उसका पहला नियम है अकारण पुल्लिंग शब्दों को आकारण कर देने से वे क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। जैसे अ का आ, छात्र शब्द पुल्लिंग है तो उसका क्या हो गया, छात्रा। वृद्ध वृद्धा, इसमें सारे आप देख लेना। दूसरा, अकारण एवं अकारण शब्दों को इकारण कर देने से वे क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। अगर अ या आ है तो उसका ई हो जाएगा। जैसे लड़का का लड़की, दादा दादी, बेटा बेटी, इस प्रकार। तीसरा, अकारण पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़ देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं, अथवा अ का नी करके। जैसे मोर का मोरनी, ऊंट ऊंटनी, भील भीलनी, इस प्रकार। चौथा, जातिवाचक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर को लोप करके इन लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे सांप का सापिन, कुम्हार कुम्हारिन। पाँचवा, अकारण पुल्लिंग शब्दों में आनी लगा देने से वे क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। कैसे, जेठ जेठानी, सेठ सेठानी, ठीक है। छठा, जातिवाचक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर को लोप कर उनमें आइन लगा देने से वे क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे हलवाई हलवाइन, चौधरी चौधराइन। सातवा, आ के स्थान पर इया कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे बूढ़ा बुढ़िया, चूहा चूहिया। अक के स्थान पर इया कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे शिक्षक शिक्षिका, गायक गायिका, इस प्रकार। नौवा, वान वत्ती तथा मान के समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में मती लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे भगवान भगवती, आयुष्मान आयुष्मती। दसवा, कुछ शब्द स्वतंत्र रूप से स्त्रीलिंग पुरुष के स्त्री पुरुष के जोड़े होते हैं। जैसे बाप माँ, भाई बहन, पति पत्नी, इस प्रकार। ग्यारहवा, कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं, जैसे इनके आगे क्या लगा देंगे, मादा लगा देने से ये स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। जैसे उल्लू तो मादा उल्लू, चीता मादा चित्ता। बारवा, कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, इनके आगे क्या लगा देने से, नर लगा देने से ये क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग। जैसे मछली नर मछली, चीटी नर चीटी। कुछ शब्द आप देखेंगे कि जो हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं, जैसे अनाजों के नाम, गेहूं जौ चना बाजरा, उसके बाद वृक्षों के नाम आम अमरूद खिजड़ी, पर्वतों के नाम हिमालय अरावली राखी, आगे आप देखना। विभिन्न धातु रत्नों के नाम सोना पीतल जस्ता, द्रव्य एवं पदार्थ के नाम दूध घी शहद, ग्रहों एवं महीनों के नाम सूर्य चंद्र शनि। अपवाद, पृथ्वी हमेशा किस में रहेगा, स्त्रीलिंग। बाकी जो शब्द हैं ये वो हमेशा पुल्लिंग में ही रहेंगे। अब हमेशा जो स्त्रीलिंग में रहने वाले शब्दों के नाम, तिथियों एवं नक्षत्रों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे प्रथमा द्वितीया पूर्णिमा अमावस्या, ठीक है। नदियों व झीलों के नाम किस में रहेंगे, प्रायः स्त्रीलिंग में रहेंगे। जैसे गंगा यमुना पुष्कर झील सांबर झील, ठीक है। अब भाषाओं के नाम जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहेंगे, भाषा कौन सी, हिंदी अंग्रेजी रूसी जापानी, बहुत सारी भाषाएँ, ये सब स्त्रीलिंग में रहेंगी। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना शब्द बनाने के कुछ उदाहरण, जैसे चूहा चूहिया, माली मालीन, इस प्रकार। ये टेबल पूरी आपको पढ़नी है।